हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। आज जो हमारे किचन में बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है मटर मखनी, मटर की मखनी चाट। ये बहुत ही टेस्टी होती है। आइए चलते बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मटर ले लिए है, साबुत मटर। इसको मैंने रात को भिगो दिया था। अगर आप रात को ना भिगो पाए तो आप जो है इसको गरम पानी में, पानी गरम नहीं मतलब खौला के पानी, और उसको 1 घंटा भिगो दीजिए। ये नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ मैंने इसको कुकर में चढ़ा दिया है। मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच नमक। मैंने तकरीबन 250 ग्राम मटर लिए, 250 ग्राम, और मैंने 1 डेढ़ चम्मच नमक डाला है। और इसमें 1 छोटा चम्मच मैंने सोडा डाला था। और ये देखिए हमारी मटर मैंने कुकर में, इसमें 3-4 सीटियां लगा ली है। ये हमारी मटर अच्छे से बॉइल्ड हो चुकी है। और अब मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स, मैंने 1 चम्मच डाला है। और इसी के साथ मैंने डाला है काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट बहुत टेस्टी होता है। ये मैंने 1 चम्मच भर के इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला है, और 1 चम्मच में व्हाइट सॉल्ट भी डालूंगी इसमें। और यहाँ मैंने ले लिया है आमचूर पाउडर। ये देखिए इसको मैंने 2 से 3 चम्मच मैं ये इसमें मिक्स करूंगी मटर में, हमारी मटर की चाट जो मैं बना रही हूँ, मटर मखनी चाट। और ये बहुत ही टेस्टी होती है, आप सभी ने खाई होगी, और एक बार हमारे स्टाइल में जरूर बनाइएगा। और इसमें अब मिलाऊंगी मैं ऑनियन। इसको मैंने एक बड़े साइज का प्याज जो मैंने ले लिया था, इसको मैंने चॉप कर लिया है, और चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। और इसी के साथ मैं डालूंगी मिर्च। ये मैंने एक हरी मिर्च ले ली है, और एक कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने, इसको हरी मिर्च ली है। इसको मैंने इसमें मिक्स कर दूंगी। दोनों चीजें मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि ये मिर्च तीखी नहीं होती है, इसलिए मैंने इसको ली है। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसी के साथ इसमें जाएगा कोरिएंडर लीव्स, इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया था। धनिया, हरा धनिया, और इसको मैंने अच्छे से डाल दिया है। देखिए हमारी चाट रेडी हो चुकी है। हाँ, जो ये बटर मखनी चाट है उसके लिए मैं इसमें डालूंगी बटर, और आप ऐसे भी बटर ऐड कर सकते हैं। और एक पैन में बटर को डालकर और उसमें हल्का सा तड़का लगा सकते हैं जीरे का, और उसमें थोड़े से चाट मसाला वगैरह मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐसे ही डाल दिया है क्योंकि मैं लेट हो रही थी, तो मैंने इसको इस तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है। लेकिन वो तरीका बहुत अच्छा है, आप उस तरीके से डालेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी होगी। और ये देखिए हमारी चाट रेडी हो चुकी है। ये देखिए हमारी चाट बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी चाट है ये बनी हुई। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी, ये चाट रेसिपी पसंद आए, चटपटी मखनी चाट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे कमेंट्स करके बताना ना भूलिएगा कि आपको हमारी चाट कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। और रमजान में इस चाट को जरूर इंजॉय कीजिएगा, मजा आएगा।